coordinator in a school, and now I'm working in the Nissa Institute of Arts and Science. This was the journey. Great, great. अच्छा मुझे इस बारे में नहीं पता था that you were the victim of that incident also. Yes, I'm alhamdulillah ghazi. ghazi, mashallah. अच्छा थोड़ा सा अब मुझे इस चीज के बारे में पता है तो definitely मुझे भी एक चाम हो रही है कि I wanted to know कि उस वक्त क्या feelings थी जब आप लोगों के सामने इस तरह के एक incident हुआ, आप लोगों के सामने आप लोगों के friends, आप लोगों के colleagues एक किस्म की बिल्कुल destroy हो चुकी, तो क्या feelings थी उस वक्त, क्या सोचा जा रहा था, क्या चल रहा था आपके mind में? बहुत एक हार्ड टाइम होता है. एक बहुत नॉर्मल अगर आप एक सिनेरियो ले लें कि आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए और आप अपने कोई बहुत प्यारे कोई आसपास के वो लोग जिनके साथ आपका रोज़ का इंटरेक्शन है, अगर वो इस दुनिया से चले जाएं और विद इन अ माइक्रो सेकेंड कि आपकी पलक झपकी और आपने जब आप वापस होश में आए और वो लोग आपके साथ में ना हो, वो एक काफ़ी तकलीफ दह प्रोसेस है. उस ट्रामा से बाहर आने के लिए आपको काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है, उस वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो आपके आसपास के पॉजिटिव लोग चाहिए होते हैं जो आपके लिए वर्कआउट करें, जो आपको हिम्मत दें कि आपने सिनेरियो से बाहर आना है और इतना पॉजिटिवली आपके लिए वो काम करें और इतना पॉजिटिवली वो आपको बताएं कि जी आप जब अपने इस सिनेरियो से कम आउट बैक आउट करेंगे तो आप जो हैं अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, आप अपने शहर के लिए काम करेंगे, ना कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएं. क्योंकि बहुत से सिनेरियोस में ऐसा होता है कि इसको भूलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. वो टाइम था छुट्टी का, आप छुट्टी के टाइम पे वैसे भी बहुत डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है. आप जैसे बस में एंटर होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा हो रहा होता है, घर जाने की एक्साइटमेंट होती है, एक आपकी पेपर एग्जामिनेशन उस टाइम हमारे चल रहे थे, हम वो पेपर डिस्कस कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ओवर सडन लास्ट 2 मिनट्स पे अगर आपको एक आवाज़ आए और इतनी हॉरेबल आवाज़, और फिर आप इस बात पे परेशान हो जाएं कि ये हुआ क्या है, और फिर अपने आप में एक मौजा होता है जब आपको सांस आ रहा होता है तो आप अल्लाह से शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि आपको एक और ज़िंदगी मिली, और जब आपको एक ज़िंदगी मिल जाए, और फिर मैं इस बात पे बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत पॉजिटिवली मुझे वापस इस कमबैक में जो है यूटिलाइज़ किया है, वरना बहुत से लोग नहीं कर पाते. ज़िंदगी मुश्किल चीज़ बन जाती है, आपके अंदर कमी आ जाती है, आपका हाथ जल जाए, जैसे बीइंग अ गर्ल मैं जल गई थी, वो 35 पोस्टम बोर्न, उस लड़की के लिए वापस आना, उस लड़की के लिए जिसको देख के लोग सिंपथीज दिखाएं, और वो कम बैक करना अपने आप में एक विक्ट्री है. बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उन फीमेल्स के लिए जो समझती हैं कि एजुकेशन के लिए हम लोग नहीं निकल सकते, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद यू हैव कंटिन्यूड योर एजुकेशन और आपने अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट करके आज इस पोजिशन तक आप पहुँची. अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान में वुमेंस के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपनी एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर पाती, हमारा ये एजुकेशन रेशो इतना कम क्यों है स्पेशली वुमेंस का? बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाए तो आप देखें यहाँ पे एक पेट्रार्कल सोसाइटी चल रही है. आप इस सोसाइटी को दो कि इस माशरे की खूबसूरती है, लेकिन कहीं ना कहीं आके ये ख़वातीन के साथ एक नाइंसाफ़ी का बाहिस भी बन जाती है. सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा हमारे लोगों को शऊर की ज़रूरत है. हमारे लोगों को इस बात में डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाता है कि मज़हबी तालीम और सही तालीम. हमें मज़हब की तालीम दी जाती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, सिर्फ प्रॉब्लम यह आ जाता है कि हमें उसको ब्रीफ़ करने वाला कोई नहीं मिलता. हमें अगर कोई ब्रीफ़ करने वाला शख्स मिल जाए और हमें बताया जाए कि जी आपके मज़हब में तो कहीं नहीं लिखा कि आप औरत को तालीम ना दें, मज़हब में तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि नमाज, रोज़ा और जो एजुकेशन है वो हर मर्द और औरत पे इक्वली फ़र्ज की गई है, चाहे वो माशरती तालीम हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल आपका सोशल तालीम हो, वो दोनों पे फ़र्ज की गई है. बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स में प्रॉब्लम ये है कि पेट्रार्कल सोसाइटी है, यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है. सेकेंडली जो हमारे साइड इंटीरियर बलूचिस्तान के लोग आते हैं वहाँ पर लेक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं. हमें उन फैसिलिटीज़ को अगर हम उनको बहाल किया जाए कि जो बच्चे हमारे इंटीरियर बलूचिस्तान में तुरबत पंजगूर गवादर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उन ख़वातीन के लिए वहाँ पर एक अच्छी बेहतरीन ट्रेनिंग एजुकेशन या स्किलफुल एजुकेशन का इंतज़ाम कर दिया जाए तो शायद वो इन चीज़ों से महरूम ना रहें. आप देखेंगे अगर एक बलूचिस्तान में पैदा होने वाली लड़की है वो खुदादाद सलाहियत के साथ पैदा होती है, वो हैंड एम्ब्रॉयडरी जहाँ पर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को सीखनी पड़ती है वो ये चीज़ें सीख कर आती हैं, उनकी ब्लड में ये चीज़ें होती हैं.
तो अगर उनको इन्हेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग अगर उनके इलाकों में कुछ अच्छा काम कर लें, तो शायद ये एक जो पीरियड है, ये लैक जो एक बीच में एक सिस्टम लैक कर रहा है, वो नहीं करेगा, वो एक पीरियड लैक नहीं करेगा. तो ये इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ख़वातीन की एजुकेशन में, कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोग उनको फैसिलिटेट नहीं करते. उसकी वजह से माशरे में और भी बुराइयाँ पैदा होती हैं. अच्छा, इसमें थोड़ा सा और मैं अगर डिटेल में चला जाऊँ, फीमेल्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, वो कहते हैं कि हमने एजुकेशन हासिल करके कौन सा बड़ा फीम मार लेना है, हमारा तो कैरियर है नहीं, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जानी है, हमारी शादी हो जानी है और शादी के बाद हम लोगों ने घर में बैठ जाना है. तो ऐसा कौन सा कैरियर है जो फीमेल्स के लिए हो सकता है, वो अपनी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, अपने लिए भी काम कर सकते हैं? एक तो ये बहुत गलत कंसेप्ट है. ठीक है जी, शादी करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए, सब लोगों की होती है. एक जो चीज़ फीमेल का मैं कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि मैं बिल्कुल आपका कंसेप्ट है और बिल्कुल सही कंसेप्ट भी है, लोग इस टॉपिक पे बात भी करते हैं. अगर हम बहुत इंटीरियर में चल जाएं, अगर आप क्वेटा शहर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, तो वहाँ पर भी लोगों का एक कंसेप्ट है कि इसको इतना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कल को इसने एक और घर में जाना है. लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते, जो ये जिस और घर में जाएगी और जो खातून आपके घर में आएंगी, उनका पढ़ा लिखा होना आपके लिए मैटर करता है. उनका पढ़ा लिखा होना आपके घर के लिए, बुनियादों के लिए, आपके आने वाले नस्लों के लिए, उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है. बिल्कुल ठीक. हम अगर कहें कि जी मैं बिल्कुल, मैं उन ख़वातीन को बहुत रिगार्ड करती हूँ, मेरी मैं ये क्रिटिसाइज़ उन्हें नहीं कर रही हूँ विद अ वेरी क्लियर वर्ड्स, कि जो खातून ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अगर घर में एक सिनेरियो हुआ है, अगर घर में एक छोटी सी लड़ाई है, रादर देन अगर वो एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है, तो वो शायद उस चीज़ को नेगेटिवली प्रसीव कर जाए, उसकी वजह से फर्दर फैमिलीज़ में दरारें आ जाएं. लेकिन एक पढ़ी लिखी खातून, बाशऊर खातून, कोशिश ये करेंगी, कोशिश करेंगी कि हम उन चीज़ों को वहाँ सेटल डाउन कर लें, कि घरों में या फैमिलीज़ में दरारें ना आएँ. पर ऐसा होता नहीं है, हम कोशिश करते हैं. ये एक कंसेप्ट है जिसे हमें एलिमिनेट करना है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे बलूचिस्तान में एक बड़ा अच्छा फोरम है विमेन बलूचिस्तान का, दे आर ट्राइंग. वहाँ पर हर किस्म की खातून है. एक खातून जो घर में बैठे हुए अपना कुछ काम कर रही हैं, कोई होम बेस्ड वर्कर हैं जो एक कशीदे का काम कर रही हैं, वो उन ग्रुप में अपनी चीज़ें भेजती हैं ताकि वो और लोग वर्किंग लेडीज़ देखें. कुछ ऐसी वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो अपना काम उनको दिखाती हैं, वो एक मिक्स एंड मैच के तौर पर माशरे को लेकर चल रहे हैं. यही प्रॉब्लम था कि आज से कुछ अरसा पहले तक लोगों में एक सिंगल सोसाइटी जो है रिप्रेजेंट करी थी. Exactly. उसके बारे में रूमर्स भी थे, उसके बारे में लोगों को लगता था जो खामतीन घर में हैं वो निगलेक्टेड हैं, जो बाहर हैं उनके पीछे कोई बैक नहीं है, ये आज़ाद हैं. हमें इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना है और इस माशरे में लेकर चलना है. एग्जैक्टली. अच्छा, आपकी ही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर में एक एजुकेटेड फीमेल आए, इवन कि जैसे तरह अगर हम बात करें कि माँ हमेशा ढूंढती है कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी फीमेल हो, डॉक्टर मिले, डॉक्टर मिले, लेकिन वही माँ पर अपनी बेटी को क्यों नहीं पढ़ाती, ये नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है. हम अच्छे की तलाश के लिए जाते हैं, लेकिन अपने घर में अच्छा क्यों नहीं बना रहे होते. मैं आपसे इस बात से असल में थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी. ऐसा नहीं होता, माएँ बहुत कोशिश करती हैं. ये फीमेल में एक चीज़ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट द मैन कि उनके अंदर कंपटीशन का क्या लेवल होता है, लेकिन फीमेल्स में कंपटीशन ना वो लाशऊरी तौर पे आ जाता है, पैदा हो जाता है. जो चीज़ माँ ने अपने लिए नहीं देखी हुई होती, वो हमेशा कोशिश करती है कि मेरी बेटी उन चीज़ों से फैसिलिटेट रहे. अगर वो खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो फॉर श्योर कोशिश करती हैं कि यार ये मुझसे ज़्यादा अच्छा करे. कि लोग अगर मुझे किसी एक जगह पर मुझे डाउट में लेते हैं कि जी ये अच्छा नहीं कर रही, ये इसने इसमें ये मसला था, वो कोशिश करती हैं कि मेरी बेटी में ये मसला ना हो. Exactly. फिर वहाँ पे वही बात आ जाती है कि जहाँ पर हमारी सोसाइटी जो है वो मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है, जहाँ पर मर्द का फैसला माना जाता है, हमें वहाँ पर एक आके तकलीफ़ का सामना किया जाता है. स्पेशली जो ख़वातीन घर पर हैं, उनको इस का जो है सामना किया जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, उनको देखना पड़ता है कि वो कैसे उसको लेकर चलें. कभी भी मैंने नहीं देखा कि माँ ने कहा हो कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी. हमेशा ये ऑपोजिशन जो होता है, ये वो फादर या भाई की तरफ से आता है. और यही मेरा क्वेश्चन भी यही बिल्ट हो रहा है कि वो भाई और फादर अपनी बेटी को तो बाहर नहीं भेजते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारे घर में जो है वो पढ़ी लिखी है.
यहाँ पर बात आती है हमारे एजुकेशन सेक्टर की, यहाँ पर बात आती है हमारे उन रहनुमाओं की जो हमें मजहबी भी तालीम देते हैं और जहाँ पर हमें माशी तालीम भी दी जाती है. हमें अपने माशरे से इस चीज़ को एलिमिनेट करना है. कुरान तो खोल खोल के कहता है, कुरान तो चीख चीख के इस बात की गवाही देता है कि जो इल्म है, जो तालीम है, वो मर्द और औरत पे इक्वली जो फ़र्ज़ है, ये कहा गया है, ये कुरान कहता है, ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं कहते, ये आपका कोट नहीं है, ये तो अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ कर दिया. अगर हम देखें तो क्या हज़रत आयशा पर्दे में रह के अपने लोगों को तबलीग नहीं करती थी? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना चलती थी, तबलीग पे जाती थी. पॉलिटिक्स में उन्होंने काम किया है, हज़रत खदीजा ने बिज़नेस अपना चलाया है. तो ये तो हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं. अगर हम इन्हीं को लेकर अगर हम कहते हैं जी हम इस्लामिक एक माशरे में रहते हैं, हम बेशक इस्लामिक माशरे में रहते हैं लेकिन हम उन टीचिंग्स को अपनी पसंद से फॉलो करते हैं. जहाँ पे अपना फायदा हो, जहाँ हमारा फायदा है, हम उसे फॉलो करते हैं, वरना हम उन्हें फॉलो नहीं करते. अच्छा, जिस तरह अभी आपने खुद एक बात कही कि हमारी सोसाइटी जो मैन ओरिएंट सोसाइटी है, आप खुद एक वर्किंग वुमन है, तो हमारी इस सोसाइटी में एक वर्किंग वुमन को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है? हमें तो मुश्किलात का कहते हैं ना पटारा हमारे पास होता है जो हमें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ रहा है. आप चाहते हैं कि जब मैं बाहर जाऊं तो लोग मुझे असल में देखें, हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. हमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है इत्तफाक़ करती हूँ कि जो ख़वातीन घर से बाहर जाती हैं, खुदारा उनकी एक फ़ैमिली होती है. बिल्कुल ये मर्दों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके पीछे एक फ़ैमिली है, एक ख़ानदान है, वो रोड पर नहीं रहती. अगर आपको लगता है कि वो रात के 12 बजे अगर कोई घर से बाहर काम करने के लिए जा रहा है तो खुदारा ये मत समझें कि वो किसी गलत काम से ही बाहर होगा. आपको नहीं पता उसके पीछे उसकी कितनी मजबूरियाँ होंगी. बिल्कुल ठीक बात है. बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैंने इस काम करते हुए माशरे में देखा है, बीइंग अ वर्किंग वुमेन सिंस 6 ईयर्स, मैंने देखा है कि अगर यहाँ पर कोई 20% लोग ऐसे हैं जो शौकिया ख़वातीन नौकरी कर रही हैं कि जी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, दे वांट टू यूटिलाइज देयर सेल्फ इन अ गुड मैनर, वहाँ पर 80% ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी मजबूरी है काम करना. आजकल इस माशरे में आप ख़ुद भी देख रहे होंगे कि शायद आपकी सैलरी से वो घर उस तरह से ना चल पाए कि अगर आपका स्पाउस या आपकी फ़ीमेल या आपकी बहन या आपकी बेटी आपको सपोर्ट करे. वो सपोर्ट अगर हम उसको पॉजिटिव मैनर में लें, अगर हम उसको लिबरलिज्म का नाम ना दें, हम ये ना कहेंगे जी ये तो खुद मुख्तार हो गई है, नहीं, आप ये सोचें कि ये अपने घर की मशियत के लिए काम कर रही है, तो ये वाला फैक्टर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. हमें वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, हमें वर्क प्लेस में वो हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी. चाहे वो हरासमेंट, अब तो हरासमेंट पहले तो था कि आप अब्यूज़, आपको फिजिकली अब्यूज़ किया जाए, अब लोग तो आपको बातों से भी अब्यूज़ करते हैं. सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको टोंट करते हैं. फिर जो इंसान एक बर्दा मेंटली आप देखें, अगर हम कहते हैं कि जी हम इस बात के दावेदार हैं, हमारे मर्द हजरात, इस माशरे के मर्द हजरात, बीइंग लिविंग इन बलूचिस्तान, बीइंग डॉटर ऑफ बलूचिस्तान, अगर हमारे मर्द ये कहते हैं पॉलिटिकल जलसों में और हम बड़े बड़े सेमिनार्स में ये सुनने को मिलता है कि जी हम औरत को खुद मुख्तार कहते हैं, तो फिर उस औरत को वर्क प्लेस पर इतनी आज़ादी क्यों नहीं दी जाती काम करने के लिए? क्यों लेग पुलिंग की जाती है? क्यों औरत के नाम पे उसको वेजेस उस तरीके से नहीं मिलते? हरासमेंट तो उस वेजेस में भी तो उनके साथ होते हैं. कुछ पोजीशंस चने ठीक है औरत के मुताबिक, उसके फिज़िकल एग्जिस्टेंस के मुताबिक कुछ पोजीशंस मर्दों के लिए ही कायल की गई हैं, लेकिन जहाँ पर ओपन मैरिट पे हम कम्पीट करते हैं तो वहाँ पर क्यों उनको वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं दी जाती और उनको औरत कह के पीछे कर दिया जाता है? अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और आती है, उसको भी मैं क्लेरिफाई करूँगा, फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे कि ये नेगेटिविटी किस वजह से आती है? हमारी एजुकेशन बेस्ड के ऊपर है, उनको सही तरह से सिखाया नहीं जाता, या एक ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा है लोगों के माइंड में है कि नहीं, फीमेल्स को काम के लिए नहीं छोड़ना, उनको बाहर नहीं आने देना. बहुत सारे ऐसे वेल एजुकेटेड लोग हैं जिनसे मैंने ये बातें सुनने को मिली हैं, कुछ तो चले ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा है, तो इसमें ये नेगेटिविटी कहाँ से पैदा होती है? हमारी एजुकेशन से पैदा होती है, हमारी सोसाइटी से पैदा होती है, या हमारा जो एक आबा अजदाद की सोच चलती हुई आ रही है उसी को लेकर हम आगे जा रहे हैं? असल हम रूट्स चेंज नहीं कर सकते. अगर आप और मैं ये कहें कि जी हम एजुकेट कर सकते हैं, हमें टाइम लगेगा अपनी सोच बदलने में, हमें टाइम लगेगा. हम ट्रेडिशंस को बदलने को नहीं कह रहे, हम नॉर्म्स को बदलने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन हम हक की बात करने की बात करते हैं. अगर आप मेरी बात ले लें, अगर आप मैं अपने ख़ानदान में शायद पहली ऐसी लड़की हूँ जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती है,
मेरी फैमिली जो है वो एक गांव से बिलोंग करती है, और मेरी फैमिली में शायद ही मुश्किल से कोई 12-13 जमात से ऊपर कोई गया होगा, और मैं पहली खातून हूँ जो एम फिल हूँ. तो यहाँ पर एक चीज़ स्टैंड करती है, इसके पीछे मेरा बाप मेरा भाई एक सपोर्ट है, एक पिलर है, जिन्होंने ये थिंकिंग चेंज की. आज से वो भी उसी ख़ानदान का हिस्सा हैं, कहीं रिस्ट्रिक्शंस मुझे भी उनकी तरफ से फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें रूट्स को अब कहीं ना कहीं अवेयरनेस के नाम पर चेंज करना होगा. अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं ख़ुद भी एज अ एजुकेशनिस्ट या एज अ टीचर जो सोचता हूँ, हमारी सोसाइटी में अब जो सिर्फ एजुकेशन रह चुकी है, वो एजुकेशन या तो डिग्री के हद तक रह चुकी है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम यही कहेंगे कि डिप्लोमाज ले लिए, डिग्री ले ली. आप क्या समझती हैं कि कितनी परसेंट यूटिलाइजेशन होती है उस एजुकेशन की जो हम एजुकेशन इस्तेमाल करते हैं? मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए एक बात कहूँगा. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर एक सेंटेंस हमें पढ़ाया जाता है नर्सरी या 1 क्लास में कि बड़ों का अदब करें और छोटों से प्यार करें, और एक बंदा हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उस एक सेंटेंस के ऊपर अमल नहीं करता, तो फिर मैं तो पर्सनली इस बात को मैं कहता हूँ कि फिर मेरी नज़र में तो उसने वो 20-25 साल एजुकेशन में झक ही मारे जो एक सेंटेंस के ऊपर अमल नहीं कर सकता. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमारी एजुकेशन जो हम हासिल कर रहे हैं उसमें कितनी 1% यूटिलाइज हो रही है, या फिर वो किताबों की हद तक, या फिर वो सोच की हद तक, या पेपर्स की हद तक ही रह जाती है. पेपर्स कर लिए, डिग्री हासिल कर ली, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो यूटिलाइजेशन उसमें नज़र नहीं आती है. तो कितनी परसेंट वो नज़र आ रही है आपको? क्या यहाँ पे क्रिटिसिज्म करना अलाउ है? एग्जैक्टली, जो रियलिटी फैक्ट्स है, फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं. मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी. जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मुझे एजुकेशन के अंदर एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ नज़र आता है वो ये है कि हम चीज़ें उस रियलिटी को लेकर पढ़ाते ही नहीं है जो रियलिटी एक्चुअली चल रही होती है. जो माशरे की ज़रूरत है हम वो एजुकेशन नहीं देते. हमें उस एजुकेशन से हमारा मतलब ही नहीं होता, हम दूर दूर तक वो एजुकेशन नहीं पढ़ते हैं. बींग अ स्टूडेंट ऑफ अ बिजनेस स्टडीज़, मैं बिज़नेस स्टडीज़ की स्टूडेंट थी, मेरा एमफिल उसमें है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो मुझे लगता है वो ये है कि हम बैंक में कहते हैं कि जी डेबिट वो है जो आपके अकाउंट्स में आ गया और क्रेडिट वो है जो चला गया. हम ये बात हमारी बैंकिंग में तो यही चल रहा है. अब जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पर उल्टा पढ़ाते हैं, वो कहते हैं डेबिट वो है जो आपके अकाउंट में आया, क्रेडिट वो है जो चला गया. जब आप उल्टा पढ़ा रहे हैं, जब हम बैंक में जाके इंटर्नशिप पे जाते हैं, वो जो 6 वीक्स का पीरियड होता है वो बंदा तो हमें कैश के करीब ही नहीं जाने देता कि आप तो पढ़ के गलत आए और आप यही करेंगे. और होता भी यही है कि हमें वो चीज़ समझने में उतना टाइम लग जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें. रियलिटी बेस हम एजुकेशन नहीं देते, हम स्किल बेस एजुकेशन नहीं देते. हम एजुकेशन का रट्टाफिकेशन ही कहेंगे, ये रट्टाफिकेशन है. सेकंडली, हम गधे घोड़ों को सेग्रीगेट करने के बजाय हम उनको एक ही लाइन में भगा रहे हैं. अब एक बच्चा है, आपका मेंटल कैलिबर एक अलग होगा, मेरा कैलिबर एक अलग चीज है. शायद मैं राइटिंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी मैं स्पीकिंग में अच्छी हूँ, लेकिन हम तो फोर्सफुली कहते हैं आपने ये 100 मार्क्स का पेपर हल करना है. Why not towards the new techniques? Why not talent और उनके skills के ऊपर काम नहीं हो रहा? हम skills पे काम नहीं करते हैं, हम शिकवा उनसे नहीं कर सकते, हम skills पे काम नहीं करते हैं. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एक बच्चा है, when I was been a teacher a few years back, तो मेरे पास एक बच्चा था और मुझे आज तक उसकी बात याद आती है. तो उसको ब्रेड के स्पेलिंग नहीं आते थे और टीचर उसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी. और वो बच्चा अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक था, टीचर सेड स्पेल ब्रेड, तो वो बार बार कह रहा था BRED. अब अपने लिहाज से उसके माइंड ने जो पिक किया वो सही कह रहा था, वो बेचारा गलत नहीं कह रहा था. बीच में एक हाथ कोई स्पेलिंग गलत हो गया होगा, स्किप कर दिया होगा. अब टीचर वॉज फोर्सिंग के नहीं तुम ये पढ़ो, तुम गलत कर रहे हो. मैं वो मिच्छा मेरे मैं आई वॉज ऑन द राउंड, मैं अंदर क्लास में गई तो मैंने टीचर को बोला आप इसके साथ बहस मत करें, आप इसको ये बात समझा दें, आप उसको लिख के दिखा दें, आप उसको ब्रेड के जो है पैक पर दिखा दें कि ये स्पेलिंग रखा है. बेचारा वो गलत नहीं कह रहा था, जो उसके माइंड ने फोनिक्स पिक किए उसने वो बताया. अब हम उस बात पे उसको प्रेशराइज करें कि तुम गलत हो. तो व्हेन उनकी अर्ली एज में कहा जाता है कि अगर 1 से 5 साल की उम्र में या 7 साल तक, अभी न्यू साइकोलॉजी के हिसाब से 7 साल की उम्र तक अगर आपने बच्चे के अंदर स्किल उजागर होने की कैपेसिटी कम कर दी, उनके क्वेश्चन मार्क, हम कहते हैं ये बच्चा बहुत सवाल पूछ रहा है, पूछने दे उस बच्चे या बच्ची को सवाल. अच्छा, इसमें एक चीज़ और फैक्ट भी आती है, रियलिटी है, मैं इसको जरूर हाईलाइट भी जरूर करूँगा. हमारे टीचर्स भी ट्रेंड नहीं होते बहुत ज़्यादा,
हमारी टीचिंग को तब लिया जाता है जब कोई जॉब नहीं मिल रही, तो चलो चीटिंग कर रहे थे, सॉरी टीचिंग कर लेते हैं, टीचिंग कर लेते हैं. कुछ जॉब नहीं मिल रही, जब तक कोई जॉब नहीं मिल रही मैं टीचिंग कर लेता हूँ, जब मुझे जॉब मिलेगी मैं टीचिंग छोड़ूंगा. दे आर नॉट टेकिंग एज अ प्रोफेशन. प्रोफेशन बिफोर द शो जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आजकल हमारे बच्चे, आने वाली ये जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, ये अपने नाम के साथ कोई भी प्रोफेशन अटैच कर लेते हैं. Exactly. पर उसका बैकग्राउंड नहीं जानते. अगर वो टीचर कॉपी पेस्ट कर, अगर वो बात कर रहे हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पे, ट्विटर पे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो हर एक यूथ का बच्चा जिसकी एज जो है वो 20 से लेकर 24-25 के बीच में लाया करती है, एजुकेशन भी पूरी नहीं की है, दे यूज टू राइट सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट. मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनमें से कुछ 2-3-4 लोगों से ये पूछूं कि व्हाट एक्चुअली इज़ अ ह्यूमन एक्टिविस्ट, व्हाट एक्चुअली इज़ द सोशल एक्टिविज्म. और फिर अगर हम इसको कंपैरिजन करें आपके क्वेश्चन के साथ कि जी जब जिसको कुछ नहीं मिलता वो कहता है वो टीचर बन जाए, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें यहाँ से, तो मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी एक छोटी सी एक नॉलेज है, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ उस नॉलेज के मुताबिक मुझे ये पता है कि पैगंबरों का पेशा था. बिल्कुल है, सच है, हकीकत है. ये नबियों का पेशा था, पढ़ना और पढ़ाना, इल्म बांटना. तो हम इसको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं, हमारे माशरे में क्यों उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. अगर आप एक स्टडी करें अक्रॉस द ग्लोब, सबसे हाई पेड जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है. पूरी दुनिया में सबसे हाई पेड. बिल्कुल. और सबसे ज्यादा हाई पेड सैलरीज जो है वो मॉन्टेसरी की हैं, क्योंकि मैंने अर्ली लर्निंग जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, जो मॉन्टेसरीज हैं, वहाँ पर हाईली पेड टीचर्स को रखा जाता है और हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स को. बेस तो वहीं से बनती है, बेस वहीं से बनती है. आपका वहाँ से बेस अगर नहीं बना, अगर आप हमारे पास, अगर हमारी एजुकेशन को देखा जाए पाकिस्तान में, इवन बलूचिस्तान में देखा जाए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्कूल्स को छोड़ के, प्राइमरी सेक्शन में मैंने हमेशा FSC पास या मुश्किल से BA पास, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, वो टीचर काम कर रहा है. Exactly. Reality effect, मैं इसी चीज को तो हाईलाइट करना चाह रहा हूं ताकि हमारी कैसे एक BA पास या एक FSC पास बच्ची या बच्चा वो कैसे मैनेज करेगा उस बच्चे को जिसकी बुनियाद वहां से रखी जा रही है. अच्छा, एक चीज में और, क्योंकि मेरे माइंड में इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मेरा अपना ताल्लुक इस चीज के हवाले से है. अच्छा, जब जॉब की बात आती है, हम अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं और टीचिंग की तरफ आ गए हैं, FSC के बाद आ गए या BSc के बाद एजुकेशन कैरियर पूरा नहीं हुआ. अच्छा, जब जैसी जॉब्स आती है ना, अब वो जॉब में उन्होंने लिखा होता है BSc, अगर उनकी रिक्वायरमेंट BSc है, और आगे लिखा होता है मिनिमम 3-4 ईयर एक्सपीरियंस. अब ये फिर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उन इंस्टीट्यूट्स की तरफ, उन डिपार्टमेंट्स की तरफ, उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाता है कि एक तरफ आप लिख रहे हो कि BSc एजुकेशन हमें चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस हमें 3-4 ईयर चाहिए, तो इट्स मीन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उनको तो मिनिमम 3-4. तो वो फिर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो फिर मेरे ख्याल से कोशिश करते हैं कि हम FSC से ही अपनी जॉब स्टार्ट कर लें ताकि BSc मास्टर से. यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के साथ है. ये ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन सेक्टर को कहें कि जी यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को भी देखना चाहिए, यहाँ में PND वालों को भी देखना चाहिए. यहाँ पर स्पेशली ऑब्वियसली जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं या आप जॉब जो है आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए. मैं हमेशा एक बात करती हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये तो एग्जैक्टली वही एक थोड़ा सा फनी, इसको उसमें लेके जाए, थोड़ी शायद बोरिंग हो जाए, लोग जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे पता नहीं ये क्या बातें करें. जैसे रिश्ता देखने के लिए कोई खवातीन आती हैं ना, आंटियाँ जब आती हैं, तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो वो ये कहती हैं कि जी लड़की पढ़ी लिखी भी हो, वो मास्टर्स भी हो, लेकिन वो 24 साल की हो. ये एग्जैक्टली वही बात है कि लड़की, उनको एक बंदा चाहिए जो BSc हो, लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि वो 3-4 साल का उसका एक्सपीरियंस भी हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पर हमारे पॉलिसी मेकर्स जो जॉब डिस्क्रिप्शंस या जॉब JDs बना रहे हैं, उनको चाहिए कि वो देखें कि एक फ्रेश कैंडिडेट को आप कहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं और आप उनकी सैलरी पैकेज क्या रख सकते हैं. और आजकल एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे माशरे में चल रहा है, शायद ये प्रॉब्लम इकनॉमिकली है, माशी तौर पर एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक फोबिया है, फोबिया भी किसको कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लोगों की ज़रूरत है इस वक्त कि हम किस तरह अच्छी जॉब विदाउट एक्सपीरियंस 40,000 की हमें एक जॉब मिल जाए जो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपका पैकेज हो.
मेरा स्टार्टिंग सैलरी पैकेज वॉज 8,000 रुपीज़ एंड आई वॉज गेटिंग 5,000 रुपीज़ ओनली. तो बात यह है कि जब मैंने 8,000 रुपये काम किया तो मुझे वहाँ सीखने को मिला और डिग्री यूटिलाइज करने को मिली, पता चला वर्किंग क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एडमिन कैसे चलते हैं, आगे फर्दर आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है. आजकल जब मैं जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ तो स्टूडेंट्स के पास शायद एक्सपीरियंस इतना नहीं होता जितना बड़ा उनके पास ईगो होता है. एग्जैक्टली, वो ईगो इतना बड़ा लेकर आते हैं, वो इतना बड़ा ईगो लेकर आते हैं कि हम खुद समटाइम आई सेड कि यार इनको ईगो की भी डेफिनेशन नहीं पता. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन आपको नहीं पता कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली. अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, मेरे पास एक फ्यू मंथ बैक मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, आई वॉन्ट कोट द नेम. वो बच्ची आई मेरे पास और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट के वेल प्रेस्टीज शख्स के साथ उन्होंने बहुत बहस की उस बच्ची ने. इन द गर्ल वॉज लाइक शी वॉज न्यूली एंटर इन द ग्रेजुएशन. When she came to me, उनका कंफर्ट जोन मेरे साथ बहुत ज़्यादा था. She says कि मिस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात थी. And when I go through the complete scenario, जब मैंने पूरी किस्सा उनसे ये सुना तो मुझे ये पता चला कि वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की तो कोई बात थी ही नहीं. वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी जहाँ पर आप ये बात करें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही हो. उन्होंने बात की थी एज अ बींग फ्रैंक, उनसे फ्रैंक फ्रैंक माहौल में बात की कि शायद ये कंफर्टेबल फील करेगी जैसे हम अपने घर के बच्चों से बात करते हैं. लेकिन उसे लगा कि शायद ही इज़ पॉइंटिंग आउट वो उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उनको कहीं बताना चाह रहे हैं कि जी आप कुछ नहीं हैं और ये इंस्टीट्यूट हमारा है और हम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं. तो हमारे बच्चों को तो ये अभी ग्रूमिंग में उनकी ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको ये सब कुछ सीखना है. एग्जैक्टली, ये चीज़ें तो सारी की सारी सिखाना, फिर वही बात आती है टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेरी बेसिक जो कि प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल होता है. क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ का थोड़ा सा और एग्जांपल ऐसे दूंगा कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल छोटे से तने की तरह होते हैं और तने को हम धागे से कहीं पर भी बांध सकते हैं, लेकिन जब वो तना दरख्त बन जाता है तो फिर उसको सीधा नहीं किया जाता, एट लास्ट को काटा. बिल्कुल, ये वो सीमेंट गीला सीमेंट होता है, आपको आप उसको जिस सिम्थ में जमाना चाहेंगे वो सिम्थ में जम जाएगा. और ये अर्ली एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं इस टाइम सुनने वाली हमारी सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा था. और अगर देखा जाए तो माजरत के साथ हमारे घरों में भी काम नहीं हो रहा था. अगर वर्किंग लेडीज़ हैं, मुझे सिर्फ बीइंग माई सेल्फ एज अ वर्किंग लेडी और जितनी ख़वातीन मैंने देखी हैं, मुझे वर्किंग लेडीज़ के साथ उनके बच्चों पर बस एक बात पर तरस आता है कि वो जो अटेंशन एक घर में रहने वाली माँ दे सकती है वो उनके साथ एक नाइंसाफ़ी हो जाती है कि वो इक्वल टाइम, वो एक इक्वल जो स्पेंड क्वालिटी टाइम होता है, उनको एक मोहब्बत एक अटेंशन चाहिए होती है. एक बच्चा जो बाहर से खेल के आएगा या स्कूल की वैन से उतरेगा और वो अंदर आते ही अपनी माँ को देख के वो जो बातें वो बता रहा होता है, एक वर्किंग लेडी के बच्चे को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. ही और शी नीड्स टू वेट फॉर अ होल डे कि 5 बजे हमारी वालदा आएंगी और फिर हम उनसे बात करेंगे. लेकिन अगर थकी हुई आएंगी और फॉर एग्जाम्पल अगर उनको उनके बॉस से झाड़ नहीं पड़ी हुई, शी वुड बी अ वेरी गुड मूड. लेकिन अगर वो बेचारी को झाड़ पड़ी हुई है तो वो आपका उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल वहाँ पर निकल जाएगा. तो दिस इज़ अ वेरी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने एजुकेशन सेक्टर्स के साथ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने लोगों के साथ कि अगर हम ऐसी वर्किंग लेडीज़ को रख रहे हैं जिनके बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके लिए अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डे केयर का इंतज़ाम करें कि वो जो 1 से 1.5 घंटे का कुछ टाइमिंग्स मैनेज करें. इंटरनेशनली लोग इसको SOPs को देखते हैं, SOPs बनाई जाती हैं कि आप उन 1 से 2 घंटे का जो नमाज का वक्फा होता है वहाँ पर वो बच्चे अपनी माँ को मिल सकें, उनके साथ एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि बच्चे के माइंड में भी हो कि हमारी माँ अगर मेहनत कर रही है तो वो हमारे लिए कर रही है और वो उस इन्वायरमेंट में उसको देख रहे होते हैं. लेकिन जो बच्चे घर पर होते हैं वो एक टाइम पर अपनी एज में आके इस बात को एक ताना ज़रूर पेरेंट्स के लिए बनाते हैं कि जब हमारा टाइम था तो आपने हमें ये टाइम नहीं दिया था, आपने किया ही क्या है, आपने क्या है. अच्छा, इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा टच देंगे अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, स्पेशली अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कितना हमारी सोसाइटी में काम कर रहे हैं और वो उनका कितना रोल प्ले हो रहा है और वो गवर्नमेंट के साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, इस हवाले से भी आप थोड़ा सा बताएं. अगर मैं बात करूं प्राइवेट एजुकेशन की और पब्लिक एजुकेशन की जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
25A आर्टिकल में लिखा गया है कि फ्री एजुकेशन जो है वहाँ पे बच्चों को दी जाए. लेकिन आसिम, आप जैसे कि आप खुद बहुत एक बड़ा अरसा, आप तवील अरसा जो है आपने एजुकेशन सेक्टर के साथ गुजारा है, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि जो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो दे रही है, जो प्रोवाइड कर रही है, उन्हें अपने वसाइल दिखने पड़ते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कि उनकी कितनी चादर है और वो किस हिसाब से पूरे एरिया में, अगर एक एरिया है, एक प्रोविंस है या फिर एक शहर है, उसमें वो किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं. अब एक शहर के अंदर भी डिफरेंट यूसीज़ हैं, काउंसिल जो है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जिसके अंदर वो लोग अपने बच्चों को प्रोवाइड करें. हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. वहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है हमें प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के साथ, जो थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन को लेकर चल रही है. अगर अभी भी हम गवर्नमेंट को देखें, तो अगर कभी आप PTV लगा लें तो वो किसानों को सिखा रहे हैं जी, ट्रैक्टर के चार पहिए हैं, आगे वाले दो छोटे हैं और पीछे वाले दो बड़े हैं. तो आप मुझे ये बताएं कि क्या 21st century की ये रिक्वायरमेंट है? आज के तो किसान को भी, उसके पास भी स्प्रे के लिए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में, जबकि हमारा PTV या हमारे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अभी तक इनको यही सिखा रहे हैं. सेम वे पब्लिक एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन में सिर्फ जो एक डिफरेंस लाई करता है वो यही है कि पब्लिक एजुकेशन में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पब्लिक एजुकेशन के पढ़े हुए लोग कुछ नहीं हैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा, दे आर द एग्जांपल्स के उन्होंने आपका भी, आपके घर में ऐसा होगा कि आपके वालिद ने कोई बिकिन सिटी से नहीं पढ़ा होगा, वो भी एक गवर्नमेंट के टार्ट स्कूल से ही पढ़ के आएंगे, बट ही इज़ होल्डिंग अ गुड पोजिशन. लेकिन ये भी वहाँ पर लाई करता है जिस बच्चे के अंदर खुद से एक जस्तजू हो पढ़ने की, वो हर कोई नहीं, एक पैशन हो कुछ करने का, उन्होंने एक हार्डशिप देखी हुई हो. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी एज से स्पॉइल हो जाते हैं. या तो हम इन दोनों के एजुकेशन सेक्टर में हम एक इक्वालिटी ले आए, जो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज दे रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी दे. लेकिन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा पब्लिक सेक्टर बेचारा इतना कमजोर है कि कुछ स्कूल की तो दीवार ही नहीं है. बहुत से ऐसे एरियाज हैं. हम बलूचिस्तान की बात नहीं करें, हम पंजाब की बात करें, हम सिंध की बात करें, हम थरपारकर की बात करें, तो क्या वहाँ पर तो लोगों को पीने का पानी सही से मुयसर नहीं है? तो एजुकेशन तो हम उसको छोड़ ही देना. सॉरी, मैं यहाँ पे एक बात भूल जाऊंगा. अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम जो है SOPs के तहत अपने स्कूल खोल रहे हैं, तो ये शायद बात आप तक भी पहुंची हो कि जितने गवर्नमेंट टीचर्स थे उन सब ने जो है ना इसके अगेंस्ट गए थे. उन्होंने कहा था आप SOPs के तहत स्कूल खोलने का कह रहे हैं, SOPs तो बहुत दूर की बात, हमारे तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हाथ धोने की तो छोड़े, हमारे पास तो वाशरूम्स तक नहीं है स्कूल्स में, तो SOPs को हम कहाँ से फॉलो करेंगे? पहले आप हमें चीज़ें प्रोवाइड करें, जब चीज़ें प्रोवाइड होंगी तो तब हम SOPs को फॉलो करेंगे. आसिम, इस बात के साथ मैं इतफाक, बहुत ज़्यादा इतफाक करती हूँ, और मैं इस बात में पब्लिक सेक्टर को एक कहा जाए कि बातों में एक अप्रिसिएशन दूंगी, बीइंग अ हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को. आप देखें, हम अपनी सैलरी से डिडक्शंस करवा रहे हैं, हम अपनी सैलरी से डिडक्शन करवा रहे हैं, और अगर आपको, आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं ये बात कहूँगी, आप एक दफ़ा अलहम एजुकेशनल सिस्टम के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके देखें, किसी भी सब ब्रांच में जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि हम अपने SOPs के लिए अभी से काम कर रहे हैं, चाहे वो हम अपनी सैलरी रिडक्शन से करें, चाहे वो हम डाउन साइजिंग के थ्रू से कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं. तो क्या हमारा ये जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के जो टीचर्स हैं, कुछ नहीं कर सकते? नहीं, तो क्या ये इतनी हिम्मत रखते हैं ये अपनी सैलरीज कटवाएं, रिडक्शंस करवाएं? आप इस बात में, तो फिर हमें प्राइवेट सेक्टर को एक दाद मिलनी चाहिए कि वो बेचारे इस पेंडेमिक में 3 महीने से अपनी सैलरीज कटवा भी रहे हैं, और कुछ बेचारे ऐसे जो हमारे उस्ताजा हैं, जो हराम लोग हैं, वो बेचारे जो हैं अपनी सैलरीज ले ही नहीं रहे, उनको सैलरीज दे ही नहीं मिल रही हैं. आप खुद ही प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि आपको कितनी सैलरी मिल रही होगी. नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये करवा रहे हैं. हमें अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा. अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही थी, प्राइवेट एजुकेशंस बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक बात है, एक बच्चा जिसकी माँ पढ़ी लिखी है या बाप पढ़ा लिखा है, वो तो अपने बच्चे को मोबाइल डेटा भी दे देगा और फैसिलिटीज़ दे देगा, लेकिन एक माँ बाप जो बेचारे रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिसका बच्चा एक टाट के स्कूल में जाता है, वो ये फैसिलिटीज़ कहाँ से लाएगा? थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कर दे चीज़ों को, कि सबके सब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माइंड से ही नहीं बैठे हुए, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो कुछ एजुकेशन देने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए, और शायद जो हम दे रहे हैं वो भी नहीं दे रहे. बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगी. हमारे प्रो रेक्टर साहब हैं, उर्वा जावेद साहब हैं, ही सच, हम मतलब बहुत एक
अच्छे एजुकेशन में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, आप शायद जानते भी होंगे. वो हमेशा मुझे, जब मैंने ये सेक्टर ज्वाइन किया था तो इससे पहले मेरा एक बहुत डिफरेंट, मैं डेवलपमेंट सेक्टर से आई थी और अचानक में मुझे आके एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ा, तो बहुत से इख्तलाफात थे, बातों में भी पता चलता था कि सर ये नहीं होना चाहिए, सर ये. तो वो हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि सर आप रोशनदान बनाएं इस नीयत से कि आपको अजान की आवाज़ आएगी और फिर उस रोशनदान से बारिश भी आएगी, उससे पानी भी आएगा, उससे हवा भी आएगी, उससे ऑक्सीजन भी आएगी, उससे सब चीज़ें आएंगी, लेकिन आपकी नीयत ये है कि यहाँ से अजान की आवाज़ आनी चाहिए. तो आप इस बात को हमेशा, मैं ये मेंशन करती हूँ कि आप ए बी सी डी कैटेगरीज में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के ए बी सी कैटेगरीज में चले जाएं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर आपसे ले रहा है तो वो आपके बच्चे के उस लेवल पे फैसिलिटेट भी कर रहा है. आपका वहाँ पे टीचर खौर हो रहा है सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक, और शायद 2:30 बजे के बाद उसको एक बल्क दिया जाता है कॉपीज चेक करने का, और वो घर में भी बिजी रहते हैं. लेकिन ये चीज अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो गवर्नमेंट के स्कूल में ऐसा नहीं होता. कभी आपने ये नोटिस किया आपकी गैदरिंग्स में होगा कि आपको हमेशा लोग कहते हैं तुम क्या प्राइवेट सेक्टर में अपना दबाव खराब कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, रिलैक्स हो जाओ. लेकिन यहाँ पर मैं हल्फन ये बात कहती हूँ कि हमारा टीचर घर जाकर भी ऑक्यूपाइड है विद हिज और हर इंस्टीट्यूशन. ये बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ी रियलिटी है, ये रियलिटी है. असल में जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे चीज़ों के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं, आपने फॉलो करना होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी में आप अपने बैकएंड पे बहुत सी चीज़ें ला सकते हैं जो आपकी मर्जी की होती हैं. जो बेनिफिशरीज होते हैं, आप लोगों को बेनिफिट कर रहे होते हो, तो वो आप पेरेंट्स की बात भी सुनते हैं, आप स्टूडेंट्स की बात भी सुनते हैं. आप प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में देख लें, आप प्राइवेट किसी भी अदारे में जाके देख लें, वहाँ का इन्वायरमेंट और एक गवर्नमेंट जगह का एनवायरनमेंट, आप किसी भी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट के ऑफिस चले जाएं, वहां पर जो काम हो रहा होगा डिसिप्लिन से पता चल जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, वहां से आपसे बात करने कम्युनिकेशन से पता चल जाएगा कि आप किस बैकग्राउंड से आए. अगर फॉर इंस्टेंस वहां पर एक बिकन हाउस का बच्चा अगर आज एक SO है, उसकी ग्रूमिंग में बहुत डिफरेंस होगा रादर देन अगर कोई एक SO आया है जिसकी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से है. ये बेस में डिफरेंस आता है. प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स में जब हम काम करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, मैटर करती हैं ये चीज़ें, और ये काउंटेबल हैं एक बच्चे की ग्रूमिंग में. हमारे पास इस टाइम बहुत बड़ा एक लॉट है जिसको यूथ कहा जाता है. खुदारा इस यूथ को यूटिलाइज कीजिए, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाएं, इनको स्किल बेस्ड एजुकेशन दीजिए कि ये अपने लिए और अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें. लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इवैल्यूएशन की, तो हमारी यूथ बहुत काबिल है, बहुत काबिल है. मैं उनकी काबिलियत पे शक नहीं करती हूं, मैंने देखा है, मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ काम किया हुआ है. लेकिन दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप इनको यूटिलाइज़ करें, आप इनसे बात करें, इनको टेबल टॉक की तरफ लाएं. हमारे बच्चे आजकल बहुत एग्रेसिव हैं, पॉपुलेटेड ऑब्वियस हो सकता है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें ये भी है कि हमारे पास माशियत तौर पे हम लोग थोड़े वीक हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है. लेकिन इन बच्चों से बात कीजिए, हमारे बड़ों को चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हमारे बड़े हैं, इनको चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, जो यूथ, जो हम हाईली पॉपुलेटेड हैं यूथ में, पाकिस्तान एशिया में सबसे ऐसा एक कंट्री है जहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा है. हमारे बच्चे यहाँ पर मजदूरी करने में शर्म महसूस करेंगे क्योंकि हम पॉइंट आउट करते हैं उनको, लेकिन यही बच्चा इटली में जाके पिज़्ज़ा बॉय ज़रूर बन जाएगा. बर्तन तक धो लेंगे तो पिज़्ज़ा बॉय बहुत बढ़ेगा. तो हमें अपनी यही सोसाइटी को चेंज करना है. पॉपुलेशन ठीक है, हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, हम इस चीज़ को, खुदारा इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने लोगों को सिखाएं, इनमें अवेयरनेस लेकर आएं, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कीजिए, तो हम बहुत अच्छा कम्पीट कर पाएंगे. थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया.